clouds. Oh, we are above the clouds. Initially, the stop is Kakagil, no? Yeah. Yeah. मैं पहुंच चुका हूं गंडोला राइड की सेकंड फेज. बेसा बर्फ है और सिट ये देखिए मेरी पूरी टांग बर्फ में धस चुकी है. क्लाउड देखो क्लाउड. अभी मैं बैठ चुका हूँ. सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही थी गाइस. अभी अभी केबल कार ना रुक गई है और हमारी दिल की धड़कन जो है वो तेज हो गई है. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. सो दोस्तों यहाँ से जो रास्ता आ रहा है ये फेज टू के लिए जा रहा है. ये वाला जो रास्ता है फेज टू के लिए है. मेरी एंट्री हो चुकी है और फेज टू के लिए और मैं जा रहा हूँ फेज टू. सेल्फी टाइम. गाइस मैं निकल चुका हूँ गंडोला राइड के लिए और ये है सेकंड फेज. और 13 मिनट लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने. जर्मनी सर, देयर इज नो राइड. मैं पहुंच चुका हूँ फेज टू. सो गाइस देख सकते हो आप इस तरह का नज़ारा है. बादलों के ऊपर हूँ मैं इस वक्त और क्या खूबसूरत नज़ारा है. और ये है गंडोला राइड का फेज टू. और क्या खूबसूरत नज़ारा है सर, कुछ देख सकते हो. और गाइस मैं बता देता हूँ अगर आपको आना है तो चश्मे के बिना बिल्कुल मत आना क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ धूप रहती है और आपको कुछ दिखाई नहीं देगा. ये तो मैं पहुँच चुका हूँ गंडोला राइड की सेकंड फेज में और इस वक्त ऑक्सीजन थोड़ी कम है और मैं चल रहा हूँ बर्फ़ में. और बर्फ़ देखिए कितनी मात्रा में यहाँ पे. ये देखिए बर्फ़ दिखाता हूँ मैं आपको. ये देखो ये जो मैं पूरे पैर धंस रहे हैं मेरे, चला नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे. ये देखिए और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम रहती है इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा तेज़ बोलूँगा तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. तो आप देख सकते हो इस तरह से क्लाउड्स, जो कि मैं क्लाउड से ऊपर हूँ. ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हो. ये है गुलमर्ग गंडोला राइड फेज टू. क्या खूबसूरत नज़ारा है और महसूस करो और कभी मौका मिले तो ज़रूर आना, मस्ट विजिट. यहाँ देखो बर्फ बहुत ज़्यादा है.
ये पूरे पैर मेरे धस रहे हैं। ओ भाई पूरे बर्फ। ओहो ये दोस्तों देख सकते हो मेरे आधे आधी टांग है ना धस चुकी है एकदम बर्फ में। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ा रेस्ट करते हैं, बैठते हैं। ओ भाई भाई साहब बैठ चुका हूँ मैं, सांस फूलने लगी है थोड़ी सी, इसलिए थोड़ी देर में रेस्ट करूँगा और फिर थोड़ा आगे निकलूँगा। ओह ठंड तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ऑक्सीजन वो थोड़ी कम है। और इस वक्त मैं बैठा हूँ फेस टू, आप ये नज़ारा देख सकते हो क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए किस कदर मेरे जूतों में बर्फ़ भर चुकी है, देख रहे हो दोस्तों मेरा पूरा पैर घुस गया है इसमें, इतनी बर्फ़ है यहाँ पे। ये देखो आप क्लाउड्स देख रहे होगे, अभी मैं आपको नज़दीक से जाके दिखाता हूँ। बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउड के ऊपर पहुँच चुका हूँ मैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों जब भी आप कश्मीर आइएगा तो गुलमर्ग गंडोला राइड फेज टू ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए बर्फ़ बेहिसाब बर्फ़ है और सेट, ये देखिए मेरी पूरी टांग बर्फ़ में धस चुकी है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और फील कीजिए दोस्तों, मैं थोड़ा क्लाउड्स दिखाता हूँ आपको। ये देखिए उस सेट बर्फ से मुझे चला नहीं जा रहा, घुस गए पैर। बस पहुंच गया, बस यहाँ से आगे नहीं जा सकते आप। ये देखिए अब देखिए क्लाउड, देखो क्लाउड। अभी मैं बैठ चुका हूँ, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और उसके बाद देखेंगे। ये पूरा आर्मी एरिया है, ये देखो ये आगे थोड़ा सा पार करोगे तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर लग जाएगा। ये जो आप सामने दिख रहे हो ना ये पाकिस्तान का बॉर्डर दिख जाएगा। ये देखो दोस्तों यहाँ आर्मी के जवान रहते हैं यहाँ पर, और ये देख लो कितनी ऊंचाई पर और कितनी ठंड में यहाँ हमारे जवान अपनी ड्यूटी करते हैं, देश की सेवा करते हैं। और मुझे आए हुए लगभग 10 मिनट हुई हैं और मेरी हालत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी है। और यहाँ जवान लगभग 15 साल से रह रहे हैं उन्होंने बताया है, ये देख सकते हो। गाइस मेरे जाने का टाइम हो चुका है और मैं निकल रहा हूँ नीचे फेज वन में, और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा गुलमर्ग, कुछ खाएंगे पियेंगे। और मेरे पैर इस वक्त सुन्न हो चुके हैं बिल्कुल, और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और ठंड भी अब पड़ने लगी है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। पहले तो इतनी ठंड नहीं थी तो अभी थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और मेरे पैर एकदम सुन्न हो चुके हैं। तो मैं वापस जा रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ और नीचे दिखाता हूँ, कुछ मिलता है तो ज़रूर दिखाऊँगा आपको। कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले और मैं तो सीधा नीचे ही जाऊंगा। हालत ख़राब हो गई है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी थी, सांस भी फूलने लग गया, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई है।
गाइस अभी अभी केबल कार ना रुक गई है और हमारी दिल की धड़कन जो है वो तेज हो गई है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं हुई है, लेकिन अभी तक रुकी हुई है। ये देख सकते हो आप, ये देखो अभी कोई भी केबल कार नहीं आ रही है और हम बीच में लटके हुए हैं। ये देख सकते हो आप, पता नहीं कितनी देर में चलेगी, क्या दिक्कत आई है। और ये देखो ये रुकी हुई है, देखते हैं क्या हुआ क्या प्रॉब्लम हुई है और फिर निकल के बताता हूँ मैं आपको। ओके सो गाइस मैं निकल चुका हूँ और फर्स्ट फेज के लिए, क्योंकि सेकंड फेज मुझे ज़्यादा देर रुका नहीं गया क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी और मेरा तो सांस फूलने लग गया और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मेरे शूज़ में सारी बर्फ़ पड़ गई थी और इसी वजह से मैं ज़्यादा देर रुका नहीं गया और मेरे पैर इस वक्त सुन्न हो रहे हैं बिल्कुल एकदम। तो मैं इस वक्त केबल कार में चल रहा हूँ और मैं फेज़ वन पहुँचने वाला हूँ। फेज़ वन से हम सीधा गुलमर्ग नीचे जाएंगे, फिर कुछ खाएंगे पियेंगे और सीधा श्रीनगर जाएंगे और दिखाते हैं आपको थोड़ा। ये देखिए आप नज़ारा देखिए, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो इसका जो रेंट है वो मैं बता देता हूँ, इसका रेंट जो है ऑनलाइन ही आपको टिकट बुक करना पड़ेगा और इसकी जो कीमत है वो 1000 रुपये है और फेज़ टू की 1000 रुपये है और फेज़ वन की अलग से लेनी पड़ती है, वो उसकी 800 रुपये है। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि फेज़ टू आइए सीधा, क्योंकि यहाँ नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ आते हैं और बहुत ही अच्छा है सारा कुछ, क्योंकि फेज़ वन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और गर्मी भी है वहाँ पर और इतनी ठंड नहीं है। आई होप आपको फेज़ टू और फेज़ वन आपको बहुत पसंद आए।